नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बड़वाह, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बड़वाह में 12वें बेंच आरक्षक व्यावसायिक बुनियादी कोर्स के 163 प्रशिक्षणार्थियों का औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह 22/6/2019 को संपन्न हुआ। इस भव्य परेड के मुख्य अतिथि सीबी आनंद महानिरीक्षक के ओ सुबल पश्चिम खंड मुख्यालय नवी मुंबई थे। मुख्य अतिथि ने शानदार परेड की समीक्षा की तथा प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक एवं बाह्य विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तथा बेस्ट इन फायरिंग की ट्रॉफी माननीय मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त करती हूँ। सीबी आनंद ने अपने भाषण के दौरान देश की आंतरिक स्थिति का उल्लेख किया एवं देश की आंतरिक स्थिति के लिए व्यावसायिक जवानों की महत्ता बताई। साथ ही साथ मुख्य अतिथि महोदय ने परेड में भाग ले रहे बल सदस्यों से आह्वान किया कि वे संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए ईमानदारी, कड़ी मेहनत एवं लगन के साथ राष्ट्र की सुरक्षा में अपना योगदान दें। उन्होंने शानदार परेड की सराहना एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। प्रदेश पुलिस के 221 और आज पास आउट होने वाले प्रशिक्षणार्थी 163 शामिल है। आज के दिन पास आउट हो रहे इन 163 बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ये प्रशिक्षणार्थी इस प्रशिक्षण केंद्र में 7 जनवरी 2019 को आए थे। आज के दिन ये अपनी बुनियादी प्रशिक्षण के कठिन 24 सप्ताह पूरे कर गरिमा में बल के उद्देश्य एवं अन्य भूमिकाओं की पूर्ण जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। इनके अंदर की दक्षता को बाहर निकालने हेतु इनको तरकीबवार प्रशिक्षण करवाया गया और एक आम नागरिक से इन्हें प्रोफेशनली ट्रेंड। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बुनियादी प्रशिक्षण की समाप्ति के आपके प्रशिक्षण का अंत नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत मात्र है। आपको अपने कार्यकाल के दौरान लगातार सीखते रहने की चाह को बनाए रखना है एवं अपने कार्य के हर पहलू में दक्षता एवं उत्कृष्टता प्राप्त करनी है। इन प्रशिक्षणार्थियों में आरक्षक व्यावसायिक संपत कुमार को सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी घोषित किया गया, जबकि आरक्षक व्यावसायिक प्रवीण काले को चांदमारी में, आरक्षक व्यावसायिक संजीत सिंह को अंतरिक्ष विषयों में तथा व्यावसायिक किशन तिवारी को बाह्य विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। परेड का नेतृत्व करने के लिए आरक्षक व्यावसायिक राहुल बर्पे को पुरस्कृत किया गया। दीक्षांत परेड के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष प्रशिक्षणार्थियों व बल सदस्यों द्वारा अद्भुत एवं हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें हाई हॉर्स, रिफ्लेक्स शूटिंग, 1 मिनट ट्रिप, हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया गया जिसमें हाई हॉर्स, रिफ्लेक्स शूटिंग, 1 मिनट ड्रिल, स्कीपिंग रोप, रेंज ड्रिल एवं योगा का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। सुरक्षा के लिए हम उसी कानून के तहत तीर से भी तेज रखते हैं नजर, हमको रहती है हर एक पल की खबर, हर घड़ी रहते हैं हम ये जान कर, आज हम आधे न देंगे देश पर। देश की रक्षा हमारा धर्म, देश की रक्षा हमारा कर्म, जान से प्यारा हम।
देश की रक्षा करें, अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। सर किस तरीके से रहा ये आज का कार्यक्रम, क्या आपने पाया इसको देख के? आज 163 ट्रेड्समैन का दीक्षांत परेड हुआ है आरटीसी बरुआ में हेमराज गुप्ता जी के नेतृत्व में। परेड बहुत अच्छा रहा। ये 12वीं बैच है यहाँ पर। अब तक 80,000 शिक्षणार्थी यहाँ से पास आउट हुए हैं। देखा हूँ कि परेड का स्टैंडर्ड जो है बहुत ही अच्छा रहा। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं और जो भी ऑफिसर हैं सभी का वो जो सुपरविजन है बहुत ही उच्च स्तर का है। बहुत खुशी हुई कि आज पहली बार मैं बरवाह आ सका इस दीक्षांत परेड सुपरवाइज करने के लिए। और जो भी शिक्षणार्थी हैं मैं देखा हूँ कि बहुत ही उनका डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस जो है, जो डेमोज हमको दिखाए गए हैं वो भी बहुत ही उच्च स्थान के हैं। सर मुंबई के अंदर भी आप प्रशिक्षण केंद्र में रहे हैं और यहाँ का आपने प्रशिक्षण केंद्र देखा, यहाँ का क्या कंपेयर किया उस दोनों को लेकर? यहाँ का प्रशिक्षण केंद्र जो है ये बहुत ही हिस्टोरिकल है। बहुत पहले से यहाँ पर, अभी डीएजी साहब ने दिखाया कि यहाँ पर पहले एक पैलेस फोर्ट्रेस जैसा होता था, उसको कन्वर्ट करके अभी शिक्षण केंद्र के रूप में यहाँ पर है। तो इसका चरित्र है और जहाँ यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो देखा हूँ कि
क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं ऑफिस में हो, ऑफिस का नीटनेस जो है बहुत ही अच्छा है। और CISF में जितने भी RTC हैं सभी में ये बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी बढ़ाकर जो फंड्स अलॉटमेंट हो रहा है, बजट का अलॉटमेंट हो रहा है, उससे काफ़ी प्रगति हो रही है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में। तो आगे चलकर अब आप देखे हैं यही बैच के साथ UP, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीन राष्ट्र के पुलिस फोर्सेस का भी यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है। तो सर और क्या डेवलपमेंट होना चाहिए इसके अंदर? सर मुझको लगता है यहाँ पर ये धूप काल में, ये समर के समय में इतना सुना हूँ कि टेम्परेचर पहुँचा 48-49, तो मैं समझता हूँ कि आगे चलकर अगर यही रहा हाल तो शिक्षणार्थी के लिए और थोड़ा फैसिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो ये ट्रेनिंग करते समय बीमार ना पड़ जाए, बेहोश ना हो जाए। तो ये इसकी हम सोच करने की बहुत ज़रूरी है। खबर समय जगत के लिए बड़वाह से आनंद राठौर की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।